जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन है ये हमारी आठवीं वीडियो है ज़िमनी इलेक्शन जो 17 जुलाई को हो रहे हैं पंजाब में, तो इसके बारे में हम मजीद गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक सुलझे हुए तजिया नगार, हमारे साथ एक शायरी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। इंशाल्लाह इनकी गुफ्तगू आपको पसंद आएगी। सर जी, जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, कल कितनी सीटें ले रहे हैं मीडियम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये पहले आप इस बारे में आप देखें, सोचें कि ये इन 20 हलकों में से 11 हलके ऐसे हैं जहां ये लोग आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए थे। वो जो थे उसमें उन हलकों में पीडीएम के यानी पीपल पार्टी मुस्लिम लीग जेयूआई और तारीख़ लबैक वाले भी थे, पीटीआई वाले भी थे, लेकिन वो आज़ाद हैसियत में विन कर गए थे। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब के हलके में सलमान नईम साहब विन कर गए थे, इसी तरह 11 हलके थे। अब उन 11 कैंडिडेट्स को मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया है और उनको पीपल्स पार्टी जेयूआई और मुस्लिम लीग नून सपोर्ट कर रही है, यानी पीडीएम पूरी सपोर्ट कर रही है, एएनपीपी के भी वोट हैं। तो वो 11 तो समझें कि पक्के जो है वो नून लीग इंशाल्लाह काफ़ी मार्जिन से जीत जाएगी। बाकी भी लाहौर के जो हैं हल्के और बखर का है, लहिए का है, वहाँ भी मुस्लिम लीग नून जीत रही है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक इंशाल्लाह कल जो है पीडीएम के ही मैच जाफ्ता कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून वाले वो 16 सीटें जो हैं वो जीत जाएंगे। उनमें से एक का सुन रहे हैं कि वो आज़ाद जीत रहे हैं और 3 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 सीटें हैं पीटीआई जीत जाएगी। पीडीएम को तकरीबन 9 सीटें दरकार, पीडीएम को जो है पंजाब के लिए जो सीटें दरकार हैं वो 9 हैं और पीटीआई को 12 नशीस्त ज़रूरत है, लेकिन पीटीआई को इस वक्त जो है वो मेरे ख्याल में 3 से ज़्यादा सीटें नहीं मिल रही। जी, पीटीआई को आप बोल रहे हैं कि 3 से ज़्यादा नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, मगर मैंने जितने भी यहाँ पे इंटरव्यू लिए हैं ये वो कह रहे हैं 14-15 हमारी सीटें। देखिए, आपने नौजवानों से जो है ना जिनके उन हलकों में वोट ही नहीं है उनसे, जैसे मेरा वोट नहीं है, लेकिन मुझे पता है जो नौजवान है उनका वोट अभी तक दर्ज ही नहीं हुआ है 15-16-17 साल के। आप उनसे जो पूछते हैं साफ ज़ाहिर है वो तो पीटीआई का कहेंगे, यूथ पीटीआई के साथ है, हम मानते हैं, इस बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन वो वोटर नहीं है, वो 17 साल वाले वोटर नहीं है, वो सपोर्टर ज़रूर है। तो इस वजह से जो है मुस्लिम लीग नून बड़े मार्जन से जीत रही है। जी जी, हमारे साथ और भी नौजवान, ये नौजवान पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो वही कहना चाहता हूँ जो भाई ने गुफ्तगू किया, माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू करता रहा, मैं उसी का कहना मैं हिमायत करता हूँ जो भाई ने बातें की है कि पीडीएम वाले माशाल्लाह इंशाल्लाह इस ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हो जाएंगे। तीसरा भाई कह रहा था कि 9 कहना में वोट चाहिए, कितना 9 सीटें चाहिए, बाकी जो पीटीआई वाले हैं उनको 12 चाहिए, लेकिन भाई ठीक है, उनको 3 ही मिलेगा, 3 से ज़्यादा नहीं मिल सकती है, क्योंकि वो तो हर एक अलग जमात है, बाकी सारे मिलकर एक ही जमात है, जिसके वजह से आवाम सारे पीटीआई की तरफ तो नहीं जाते हैं। माशाल्लाह जो नौजवान है उनका खून ताज़ा होता है, उनका खून गर्म होता है, जहाँ भी इमरान खान का जलसा हुआ आवाम सबसे ज़्यादा वहीं होते हैं, लेकिन वोट के लिए कोई तैयार नहीं होता है। जिस तरह जमियत उलमा इस्लाम कहते हैं आवाम तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन वोट देने के लिए सारे पीछे जाते हैं, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान है इस्लाम के नाम पर बना हुआ, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना हुआ है, लेकिन इस यहूदी को कैसे जरूरत हुआ कि इमरान खान, हमसे तो सुनते हैं ये तो यहूदी है, जिस तरह मौलाना कहते हैं इस तरह कहते हैं कादियानी है, उसकी जरूरत कैसे है, उसकी हैसियत कैसे है कि उसको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया, जब सबसे पहले जो मुल्क क्या नाम था, पहले जो क्या नाम है कानून आता रहा, पहले जो वज़ीर आज़म था नवाज शरीफ, माशाल्लाह अवाम पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह से चलता रहा, महंगाई वगैरह कुछ नहीं था। जब से इमरान खान आया सब शुरू में तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान चलाता रहा, लेकिन जब इन्होंने महंगाई किया है तो महंगाई के पहले किसी को पता नहीं था, जो उसने महंगाई शुरू कर दिया है तो माशाल्लाह पीडीएम वालों ने मशवरा किया है, मुत्तफिक हो गया है, उन्होंने जो क्या नाम है रैलियाँ निकाली हैं, उन्होंने जलसे जुलूस किया है कि महंगाई है महंगाई, जिसकी वजह आवाम की जुबान पर महंगाई महंगाई, जिस तरह कोरोना आ गया था आवाम कोरोना कोरोना है तो आवाम बहुत परेशान हो गया। अब इनकी हुकूमत आ गया तो उन्होंने पहले सुन तो आता भाई इमरान खान ने महंगाई, इन्होंने महंगाई करते 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 रूस पर चढ़ा दिया है, अभी महंगाई के ऊपर चलता रहेगा लेकिन इसको करता नहीं है। तो माशाल्लाह इन्होंने अभी ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से क्या नाम है नून लीग वाले शहबाज शरीफ ने पेट्रोल कम कर दिया है, बाकी चीज़ें भी कम कर दिया है ताकि आवाम हमें ज़िमनी इलेक्शन में हम जीत जाए, हमें सीटें मिल जाए, और क्या नाम है माशाल्लाह की तो आपस में बहुत बड़ी सी लड़ाई झगड़ा चल रहा है इमरान खान की और दूसरे का पीटीएम वालों की, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले जमियत उलमाए इस्लाम को वोट देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, अगर आप उनको देना भी चाहें सिर्फ अल्लाह की रजा समझ कर देना चाहिए,
बाकी जो पीटे बाकी जो है पीटीआई वाले नून लगे और सर अपनी कुर्सी के खातिर लड़ रहे हैं कि हमें सीट मिल जाए, हमें कहीं नौकरी मिल जाए, बाकी उनका कोई आवाम का गम व फिक्र नहीं है। लेकिन जमीत उलमा इस्लाम है और सारे मुस्लिम का खैर खा है। बाकी इसराइल के इमरान खान कोशिश कर रहे हैं उसको तस्लीम करने की, लेकिन मौलाना अब्दुल रहमान साहब पीछे खड़ा था, उसने कहा था कि कभी हम इसराइल को तस्लीम नहीं करने देंगे। नौजवान ने गुफ्तगू सरलम्बी कर दी तो महंगाई के बारे में हम मजीद हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि महंगाई के बारे में थोड़ा सा बताएं और थोड़ी सियासत में भी थोड़ी गुफ्तगू करें कि जो कल जन्नी इलेक्शन हो रहे हैं उनके बारे में क्या कहना है। इंशाल्लाह काम होगी, ये हुकूमत काम करेगी, ये जो मौजूदा हुकूमत है ये महंगाई कम करेगी इंशाल्लाह, मगर यहाँ ऐसा काम होगी, यहाँ पे जा रहे हैं मगर रोना धोना यही है कि महंगाई 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 हर जगह पे महंगाई। इमरान खान की हुई है ना महंगाई, इमरान खान की वजह से ये इमरान खान अगर सीट छोड़ के गए हैं कि उसने महंगाई की है, वो तो मौजूद ही नहीं है, वो अब तो मौजूद नहीं है, पहले तो मौजूद था ना पौने चार साल घूमो तो की है ना उसने, मगर उसके दौर में तो महंगाई तो हुई नहीं थी, उसके दौर में मौजूदा दौर में नहीं हुई थी, मौजूदा दौर में उसमें करके गया था तो इनका काम थाना के जाँच पड़ताल के खिलाफ और फौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं, इसको फौज ने लाया था, पीडीएम ने लाया था उस वक्त। अच्छा जी, ये पीडीएम ये जब सब इकट्ठे हुए ये इनका काम नहीं है, इन्होंने नहीं उतारा, ये फजल रहमान साहब हो गए हैं और साहब हो गए हैं, जरदारी साहब हो गए हैं, ये जब पहले एक दूसरे को गालियां या बुरा भला कहते थे मगर तो सबने मिलकर उतारा है ना। चलो अगर इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ते कुछ नहीं हो या कोई स्टैंड नहीं करते या फिर ये तो एक दूसरे के खिलाफ ये इलेक्शन यही लड़ेंगे पीडीएम वाले, ये हमने इलेक्शन हमें हो रहे हैं जो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान बिल्कुल झूठ मार रहा है, झूठ बोल रहा है, आवाम को गुमराह कर रहा है, ना पहले बचपन में ये इस्लाम पे काम इसने किया ना जवानी में इस्लाम पे काम किया, अब बुढ़ापे में आ गया पीरनी के कहने पर बुरा कुछ कर रहा है, इसलिए जनाब अला जो नून लीग है पीपल पार्टी है वो अपने वादों पे पक्की है, पक्के काम करती है, ये गलत बंदा है, 3.5 साल इसके आवाम के लिए कोई काम नहीं है, इलेक्शन में इंशाल्लाह नून लीग जीतेगी, 20 में से कितनी सीटें लेंगे? पूरी की पूरी जीतेगी, 20 की 20 ही जीतेगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये हमारे साथ जो शहरी मौजूद है उन्होंने बोला है कि 16-15 और ये 20 की 20 जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद, ये नारा आखिर में सब ने कहा कि पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान।